मारवाड़ी मिर्डी आप देख रहे हैं। आज है 16 अप्रैल 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जैसा कि आपको पता है दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गया है। 1 अप्रैल को इसराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया। ईरान ने 12 दिनों के बाद यानी 13 अप्रैल को इसके जवाब में इसराइल पर 300 मिसाइलों और ड्रोन से अटैक कर दिया। हालांकि इसराइल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि इसराइल के पास ऐसे हथियार है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है। लेकिन चिंताजनक खबर यह है, अगर युद्ध आगे बढ़ा तो इसका सीधा असर भारतीयों की जेब पर भी पड़ सकता है। और इसी बीच तेल बाजार में तो इसका असर अभी से दिखाई देना भी शुरू हो गया है। ईरान और इसराइल में तनाव की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई थी, तब से लेकर अब तक क्रूड ऑयल के दाम $80 प्रति बैरल से बढ़कर $90 प्रति बैरल हो चुके हैं। अच्छी बात यह है चुनावों का समय है, वरना अब तक पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ भी जाते। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, इसराइल पर ईरान के हमले के बाद रविवार को इसराइली वॉर कैबिनेट की मीटिंग में इस बात पर सहमति बन गई है कि ईरान को जवाब दिया जाना चाहिए। यह कब और कैसे होगा इसका फैसला अभी नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान में मौजूद 17 भारतीयों की रिहाई के लिए ईरानी विदेश मंत्री से टेलीफोन पर बात की है। आपको बता दूं, शनिवार को ईरान ने इसराइली अरबपति की कंपनी के एक जहाज पर कब्जा कर लिया था। यह कार्गो शिप भारत आ रहा था, इस पर भारत के 17 क्रू मेंबर सवार थे। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया को इस बात की चिंता है कि ईरान और इसराइल का युद्ध तेज न हो जाए, क्योंकि जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में जांच के लिए मुंबई ATS की टीम जयपुर पहुंची। ATS मुंबई को शक है कि फायरिंग की प्लानिंग राजस्थान में की गई थी। इसे लेकर मुंबई ATS के 4 सीनियर ऑफिसर की टीम सोडाला थाने में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ऋतिक बॉक्सर से पूछताछ की। फायरिंग करने वाले बदमाशों के बारे में भी जानकारी जुटाने के लिए मुंबई ATS की टीम अलग अलग राज्यों में पूछताछ कर रही है। मुंबई ATS की टीम के रडार में ऋतिक बॉक्सर, रोहित राठौड़ और नितिन फौजी थे, जिनसे ATS की टीम ने पूछताछ की। आपको बता दूं, मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो गई थी, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के बांदीकुई में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका ने कहा कि शुरू में PM मोदी की इच्छा थी कि कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल में इतनी बड़ी बातें करने के बाद रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, वादे पूरे नहीं कर पाई है, इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी बातें हल्की पड़ रही है। प्रियंका बोली, मंच पर मोदी जी संविधान की बात करते हैं, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि जाओ और बोलो कि संविधान बदलेंगे। प्रियंका ने कहा वह संविधान इस तरह से बदलना चाहते हैं कि आपको पता भी न चले। प्रियंका ने कहा चुनाव आने से पहले आप गैस सिलेंडर 1100 से 1200 रुपए में खरीद रहे थे, चुनाव आया तो आपसे कहने लगे कि 400 रुपए में सिलेंडर ले लो। राजस्थान में प्रियंका गांधी बोली, सरकार आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी बोली, मोदी राज में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। राजस्थान में पहले चरण के लिए 2 दिन के बाद चुनाव होने हैं, इसको लेकर अब चुनाव प्रचार के साथ बयानबाजी भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी घमंडी गठबंधन के पास न तो नियत है और न ही नेता है और न ही नीति है। शर्मा ने कहा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भारत की करोड़ों जनता की आशंकाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा लगातार 2 बार चुनाव जीती है, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा अब माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, देश भर में कांग्रेस पक्ष में माहौल लगातार बन रहा है। गहलोत बोले, कितनी सीट कांग्रेस के खाते में आएगी यह एकदम से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे। वहीं अशोक गहलोत ने भाजपा के मैनिफेस्टो संकल्प पत्र को लेकर कहा कि इसमें पुरानी बातों को दोहराया गया है, महंगाई और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर वो बात नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर देखिए। कल एक बार के लिए सोना और चांदी थोड़ी सी सस्ती हुई थी। 442 रुपए गिरकर सोना
सोना 72,735 रुपए पर पहुंच गया था। चांदी में भी 413 रुपए की गिरावट देखी गई। अच्छा, बड़ी बात आपको बता दूं, कोरोना महामारी के कारण भारत समेत अन्य देशों में मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, तब 10 ग्राम सोने के दाम 41,000 रुपए के करीब थे, वह भी शुद्ध 24 कैरेट सोने के भाव। लॉकडाउन के दिन तो हम अभी भूले ही नहीं, हम सबको याद है, लेकिन सोने के भाव देखिए कहां से कहां तक पहुंच गए। लॉकडाउन में 40-41 हजार रुपए वाला सोना आज 75,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मानसून 2024 को लेकर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। अच्छी खबर यह है कि राजस्थान में इस बार मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है। मौसम केंद्र नई दिल्ली से जारी मानसून सीजन के फोरकास्ट में इस बार सामान्य से 6% ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इस सीजन में राजस्थान के 28 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। आपको बता दूं, पहले स्काई मेट ने भी कहा था कि राजस्थान समेत देश में इस बार मानसून अच्छा रहेगा, और अब मौसम विभाग ने भी कहा है कि राजस्थान में इस बार मानसून अच्छा रहेगा, यानी कि मानसून सीजन में अच्छी बारिश होने की संभावना है। अच्छा, ये जो पीले कलर में रंगे जिले आप देख रहे हैं, यहाँ पर मानसून सीजन में बारिश की थोड़ी सी कमी रह सकती है, लेकिन जो हल्के आसमानी कलर में रंगे जिले नजर आ रहे हैं, यहाँ पर मानसून की अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। खैर, यह तो मानसून 2024 की बात हो गई, मौजूदा समय में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करें तो देखिए, बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला, आंधी बारिश का दौर जारी रहा। अब मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार राजस्थान में अगले 3 दिन मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में कुछ वृद्धि होने की संभावना है। कई जिलों में मौसम अब गर्म होने वाला है, लेकिन बड़ी अपडेट ये है, मौसम विभाग के अनुसार मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। 18 अप्रैल को जोधपुर व बीकानेर संभागों में बारिश होने की संभावना है। 19 अप्रैल को भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में हल्की बारिश होने की संभावना है, यानी कि एक बार फिर 18 और 19 अप्रैल को मौसम पलटी मारेगा और फिर आंधी बारिश का दौर शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर, गत कई वर्षों के बाद लहसुन के भाव में इस वर्ष अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे किसान खुश है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के किसान अब की बार थोड़े मायूस है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में लहसुन वगैरह तो होता नहीं है, जीरा और इसबगोल की खेती यहाँ पर होती है, लेकिन इसबगोल और जीरे के भाव पिछले साल के मुकाबले इस बार आधे रह गए हैं। आपको याद होगा, पिछले साल इस समय जीरे के भाव 50,000 से ऊपर थे, इसबगोल के भाव भी 25,000 से ऊपर थे। जानकारों की माने तो फिलहाल किसानों को जीरे और इसबगोल की उपज को रोक लेना चाहिए, माना जा रहा है कि आने वाले समय में भाव में उछाल आ सकता है। हालांकि यह उछाल कब आएगा इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल पूर्वी राजस्थान में लहसुन की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है, लहसुन उत्पादक किसानों को अच्छे भाव से मुनाफा भी मिल रहा है, जिससे किसान खुश है। वहीं अब भी भाव बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए किसानों ने काफी मात्रा में लहसुन को रोक लिया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।